कल यहाँ कुछ हुआ था क्या? वो तो एक नई मूवी देखने गए थे, उनमें से दो घर वापस ही नहीं आए। लेकिन वो मर गए सर। होश उठ गए ना? ऐसे ही इस वीडियो में बने रहिए यार, आपके होश नहीं सब कुछ उड़ने वाला है। आज की इस वीडियो में धमाकेदार फिल्में लेकर आ गया हूँ, 7 फिल्में लेकर आया हूँ आपके सामने जो रिसेंटली YouTube पर अवेलेबल हो चुकी है हिंदी डब के अंदर। शुरू करूंगा नंबर 7 से लेकर जाऊंगा नंबर 1 की तरफ, जो कि 2 फिल्में आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी, 5 फिल्में YouTube पर ही देखने को मिल जाएंगी। जी हाँ, बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं यार, फिर बाद में मत कहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में नया ये करने वाला हूँ कि इस पूरे वीडियो में एक एक फिल्म कौन कौन सा यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है ये सब वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूं। तो यार ये वीडियो को अगर स्किप कर दिया तो नुकसान आपका ही होगा, और अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चलिए वीडियो करते हैं शुरू। नंबर 7 पे जो फिल्म आती है उसका नाम थोड़ा सा लंबा है, फिल्म का नाम है पुदुकोट्टई येलिरुंडू सर्वानंद। 2003 में रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका नाम है हिंदी में सबसे बड़ा गैम्बलर। और ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स नाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। 2003 में रिलीज हुई तमिल भाषा की एक, जैसे कि मैंने कहा, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग है 3.8। 86% गूगल यूजर ने इस फिल्म को पसंद किया है। फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलते हैं धनुष, उनके अलावा यहाँ पर अपर्णा पिल्लई और करनूज जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। फिल्म की कहानी में अगर बात करूं स्टोरी लाइन की, तो यहाँ पर एक सर्वानंद नाम का कैरेक्टर है जो कि सिंगापुर जाता है जॉब वगैरह करने के लिए। वो सिंगापुर जैसी लैंड होता है, उसका पासपोर्ट मिसिंग है, मतलब कि खो जाता है। अब उसकी प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब उसको ये लगता है कि भाई अब मैं इंडिया कैसे जा पाऊंगा, और क्या कुछ उसके साथ होता है यही सब जानने के लिए आपको ये फिल्म को देखना चाहिए। मतलब कि ये फिल्म आपको गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स नाम के यूट्यूब चैनल पर सबसे बड़ा गैम्बलर नाम से देखने को मिल जाए। लिस्ट में नंबर 6 पे जो फिल्म आती है उसका नाम है केली। 2018 में रिलीज हुई मलयालम भाषा की एक क्राइम ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसके अंदर कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म मलयालम भाषा की है जिसको हिंदी में जो नाम दिया गया है वो केली प्ले टाइम। फिल्म की जो IMDb रेटिंग है वो 5.3। 83% गूगल यूजर ने इस फिल्म को पसंद किया है। फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जोजू जॉर्ज, उनके अलावा देखेंगे शोबिन बिनसन, अनिल के रेजी, विद्या विजय, ऐश्वर्या सालू रहीम जैसे कलाकार। बात करूं फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो यहां पर कुल मिलाकर 6 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। बेस्ट फ्रेंड है, 6 के 6 दोस्त को ब्रांडेड लाइफ जीने का, ब्रांडेड कपड़े, लाइफस्टाइल, ये सब का बहुत तगड़ा शौक है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम तब आती है जब वो एक विला में फंस जाते हैं। वहां जाने के बाद इनके साथ क्या होगा यही सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। ये फिल्म अवेलेबल है एडवाइज मीडिया एक्शन नाम के यूट्यूब चैनल। नंबर 5 पे जो फिल्म आती है उसका नाम है नागा रहाबू। 2016 में रिलीज हुई कन्नड़ा भाषा की एक फैंटेसी हॉरर थ्रिलर, इस फिल्म को आप कह सकते हो। फिल्म की जो IMDb रेटिंग है वो है 5.6। 80% गूगल यूजर ने इस फिल्म को पसंद किया है। फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलता है विष्णुवर्धन, दिव्या, साई कुमार, राजेश, विवेक और साधु कोकिला जैसे कलाकार। फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कपाली नाम का एक कैरेक्टर, वो कपाली नाम का बंदा एक लड़की को किल कर देता क्योंकि वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, एक मैंशन है, कुछ भी सही, उसको हड़पना चाहता है उस जगह को। कहानी बस इतनी सी है कि वो लड़की बाद में आती है और उससे रिवेंज लेती है। वो किस रूप में आती है, क्यों आती है, किस तरीके से रिवेंज लेती है, ये एक फैंटेसी फिल्म है, तो हो सकता है बहुत से लोग इस फिल्म के साथ जाना ना चाहें, लेकिन यकीन मानिएगा अगर आप इस फिल्म के साथ जाते हैं आपको डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होने वाला, और ये फिल्म आपको मस्त एंटरटेनमेंट करके रखेगी। नंबर 4 पे जो फिल्म आती है उसका नाम है लंडन बबुलू। 2017 में रिलीज हुई ये एक तेलुगु भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसकी IMDb रेटिंग 5.6 है। साथ ही साथ 85% गूगल यूजर ने इस फिल्म को पसंद किया है। फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलते हैं रक्षित, स्वाति रेड्डी, मुरली शर्मा, धनराज, राजा रविंद्र जैसे कलाकार। फिल्म की कहानी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर गांधी नाम का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि मतलब कि लंदन में जाके अपना वहाँ पर वीज़ा लगाना चाहता है और उसका मतलब काम धंधा वहाँ पर जमाना चाहता है, जिसके लिए वो एक फेक मैरिटल स्टेटस अपना इख्तियार करता है, डॉक्यूमेंट वगैरह बनाता है फेक, मतलब कि मतलब समझिए कि फ्रॉड करता है। उसके बाद कहानी में कुछ ऐसा होता है कि वो फंस जाता है। कहाँ फंस जाता है, क्या उसका फ्रॉड पकड़ा जाता है, अब उसके साथ क्या होगा, क्या वो उस चीज़ से निकल पाएगा, क्या विदेश में सेटल हो पाएगा, इतने सारे सवालों के साथ बैठ जाइए इस फिल्म को देखने के लिए। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है, यूट्यूब लिंक अभी अवेलेबल नहीं है, चाहे तो आप इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास G5 का प्रीमियम मतलब कि जो सब्सक्रिप्शन वो है तो वहां पर भी जाकर इस फिल्म को आप इंजॉय कर।
कर सकते। नंबर तीन पे जो फिल्म आती है उसका नाम है द टेररिस्ट, और ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई कन्नड़ भाषा की एक एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.1, 92% गूगल यूजर ने इस फिल्म को पसंद किया है। फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलते हैं मनु हेगड़े, रागिनी द्विवेदी, आमिर अली शेख, बालाजी एंड मूर्ति जैसे कलाकार। कहानी है रेशमा और उसकी बहन की। रेशमा और उसकी बहन अच्छी वली रह रही है लाइफ में। उसके बाद क्या होता है, रेशमा को एक कॉल आता है कि भैया हमने तुम्हारी बहन को किडनैप कर लिया, वो तुम्हें वापस तब मिलेगी जब तुम्हें हमें हमारा ये काम करना पड़ेगा, हमारी ये कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। अगर मैं बात करूँ ये फिल्म अवेलेबल कहाँ पर है, तो ये सेम नेम से यानी कि द टेररिस्ट नाम से ही अवेलेबल होने वाली है। आज नहीं, ये फिल्म देखने को मिलेगी जी एक्शन पर। जी हाँ, जी एक्शन पर 13 मई रात के 8 बजे। जी हाँ, 13 मई रात के 8 बजे जी एक्शन पर ये फिल्म देखने को आपको मिल जाएगी। तो जो जो लोग इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, और जिन्होंने मतलब जिन्होंने नहीं पता ये फिल्म किस तरह की है, तो यार मैं बता दूं ये फिल्म मस्ट वॉच है, आप एक बार ज़रूर देखना 13 मई को, जिसके तुरंत बाद जैसे भी ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात कर लेते हैं उस फिल्म की जो कि नंबर 2 पे आती है, साथ ही साथ वो जी सिनेमा पर रात 9 बजे अभी आने वाली है जी सिनेमा पर। जी हाँ, फिल्म का नाम है 100, जो कि एक तमिल भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जो कि रिलीज हुई थी 2019 में, और जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5, 90% गूगल यूजर ने इस फिल्म को पसंद किया है। फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगी हंसिका मोटवानी, उनके अलावा अथर्वा के अलावा देखने को योगी बाबू, मीमी गोपी जैसे कलाकार। कहानी है यहाँ पर सत्या की। सत्या मतलब कॉलेज से दिखाया जाता है आपको, उसके बाद वो पुलिस में भर्ती हो जाता है, जॉब से वो खुश है, लेकिन जहाँ पर उसकी पोस्टिंग है कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम में, वहाँ से वो सेटिस्फाई नहीं है। उसकी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसको एक कॉल आती है कि भैया एक लड़की की किडनैपिंग हो गई, और वो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ता। क्या कुछ देखने को मिलेगा, किस तरीके से सॉल्व करेगा इस मिस्ट्री को, यही सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, जिसका नाम है 100। तो भैया ये फिल्म जैसे कि मैंने बताया आज रात अभी 9 बजे आपको देखने को मिल जाएगी टीवी पर, जी सिनेमा पर। अगर मिस हो जाती है 1% तो यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, हिंदी वाली मूवीज टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो ज्वाइन करके रख लेना, सभी के सभी फिल्में आपको वहां पर भी देखने को मिलती है। पहले नंबर पर जो फिल्म आती है उसके लिए मैं पहले ही बता दूं इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 10 में से 9, और ये फिल्म रिलीज हुई थी 2015 में, जिसका नाम है टिप्पू। तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक कॉलेज रोमांस ड्रामा फिल्म होने वाली है। 78% गूगल यूजर ने पसंद किया है, और जैसे कि मैंने कहा 10 में से 9 की IMDb रेटिंग है। फिल्म के अंदर आपको सत्या कार्तिक, MS नारायण, मुरली कृष्णा, कनिका जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। फिल्म की कहानी है कॉलेज में पढ़ने वाले कैरेक्टर की, और वो जो लड़का है कार्तिक नाम का लड़का है, और वो एक लड़की से प्यार करता है जो कि दूसरे कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन वो लड़की मतलब समझ जाइए एक सीन ऐसा आता है जिससे कि वो डिसपॉइंट हो जाता है, लेकिन लड़का कसम खाता है क्या करने की उसके कॉलेज में एडमिशन ले लेता। भाई ट्विस्ट यहाँ पर शुरू होता है कि एक गैंगस्टर लोकल वाला उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ। अब क्या कुछ देखने को मिलेगा। टिप्पू फिल्म को सेम नेम से यूट्यूब पर अवेलेबल करा दिया गया है, कहाँ पर, गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स नाम के यूट्यूब चैनल पर। तो ये थी वो 7 फिल्में जिनमें से 5 फिल्में अवेलेबल हैं, जाकर जरूर देखिएगा, और जो 2 फिल्में हैं वो मैं अवेलेबल करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा कोई और मूवी के देखने के शौकीन है जो आप टेलीग्राम पर देखना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर उस मूवी का नाम सेंड कर देना, DM कर देना, फॉलो करना मत भूलिएगा अपने भाई को। कोई भी है जरूरी बातचीत, कोई क्वेरी, कोई सवाल, कोई जवाब, तो मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।